कुछ नहीं हो सकता, फोड़ो बेटा हो गया, आ गया था, आ गया, आ गया, हो गया भाई, छोड़ दे, मोबाइल में देखना नहीं है, हाँ नहीं देखना, हो गया ना, पक्का, हाँ, लिख ली भाई एग्जांपल, यस सर, लिख लिया ना मैं, यस सर, दोस्त ना ये वीडियो में हमने उनको भी सर्च किया, हैं, नहीं बताएंगे तुम लोग एक का भी था, यूट कर देंगे, हाँ तो भाई पहला वाला जो दिया उसमें लोग हो गया बेटा ऑयल ऑयल खेल रही अच्छा लगा पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया होगा ये दिया था काहे वाइट दी हुआ मेरी लेट बेटा कहाँ जा रहे हो उठ जाओ आ जाओ चलो अब यहाँ यहाँ इसे बॉय बैठे दे बैठ जाओ बेटा इस बॉटल लाइट करा देंगे हो गया इतना लेट आ रहे हो क्लास में ऊपर से पांच मिनट से कल मिनट का खा गया तुम बनाते रह जाओगे बाबू उड़ जाएगा एक दिन तो लेंगे सर अभी से तो पैसा दीजिए ट्रांसप्लांट देना ना हमको 10 करोड़ लगेगा करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे जैसा मरीज का तो जरूरत है जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो और हम लोग कि भाई देते जाओ हम लोग कोई दिक्कत नहीं है पैसा आपकी रुपया किम कार्डेशियन को जानते हो तुम लोग नो सर सुन लो नीचे वाला जो एक्टिविटी के नीचे जो दिया हुआ है वो बड़े बड़े प्लांट्स के लिए दिया हुआ है और बड़ा प्लांट्स कौन हो गया मैंगो ट्री बस खजूर का पेड़ ठीक है बड़े बड़े प्लांट्स के लिए दिया हुआ है नीचे जो दिया है उसमें कुछ छोटे प्लांट्स हैं जैसे आप एग्जांपल में ग्रास लिख सकते हैं टोमेटो लिख सकते हैं या बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे ठीक है जिनका नाम आप लोग को नहीं जानना है तो ये बेटा अगर आप लोग का तो आगे बढ़ाएं ठीक है अब सुनिए पहले वाले जो पैड़ा में अहमद गांधी की किताब को सुनिएगा ध्यान से पहले वाले पैड़ा में जो लिखा हुआ है पहले वाले पैड़ा में लिखा है कि एग्जाम्पल नहीं दिया है और ना बताया है किस टाइप के प्लांट्स के बारे में लास्ट के पैरा के लास्ट के लाइन में लिखा है दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज मोनोकोटिलेडंस एंड सॉरी डाइकोटिलेडंस और उसमें क्या बोलते हैं ग्रास आ जाएगा एग्जांपल में बेटा ग्रास जो होता है टू बी कबड़ी यस सर है ना यस सर पहचान रहे हो यस सर इसको नहीं ग्रास को बंदे बच्चों बढ़िया लो अंदर गंदा पर खड़ा है भैया लोग पानी गंदे हैं ठीक है तो पहला उसके बारे में दिया दूसरे बड़े बड़े प्लांट्स ने बड़े बड़े प्लांट्स ने समझ में आ गया होगा देखो पहले होता क्या है जनरली जब आप रूट को देखते हैं तो रूट का अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बैठे एक्सप्लेन किए थे कि सॉइल बहुत बड़ा सॉल्यूट सॉरी सॉल्यूट कह रहे हैं मिनरल का खान है लेकिन रूट उसको फिर भी एक्टिवली ले रहा है उसका रीजन बता चुके हैं समझ में आया था नहीं आया तो फिर भट्टा दाड़े तुम लोग का भाई क्या है बोले के ठीक है उसके बाद हम बताए थे कि रूट पहले किसको एब्जॉर्ब करता है पानी की मिनरल मिनरल्स को भाई मिनरल्स भाई में चीरते मिलते निकल जाओगे क्या कि सर का शूटिंग का चल रहा है सब पर लाई जाएंगे शूटिंग में सस्ता कैमरा तेरे लल्ला ठीक है उसके बाद पानी को एब्जॉर्ब करेगा पानी जो है पीछे पीछे अपने आप जाने लग जाता है मिनरल के यस सर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक यस सर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ यस सर तो याद रहे यस सर यही डायग्राम बनाए थे हां सर तुम लोग को मैं बारह पहले बच जाता है पिछले क्लास में कुछ पूछ देते तो हां कुछ तो खा लग रहा है इसे याद सर याद है यस सर कब मिल गया नहीं बनता था ना बता दीजिए बस तो बाबू देखो सबसे पहले क्या करना है जैसे मगर पहले ग्रास के लेवल का बात कर लेते हैं इसमें हम कटेशन आपको बताए हैं या फिर रूट प्रेशर हम आपको कल बोले थे कि पानी खींचता है कि पुश होता है कुछ बोले थे पुश होता है कुछ बोलते हैं पुल होता है अब सुनो जो हम एग्जांपल स्टार्टिंग में दो लिखवाया हुआ है आपको ग्रास और इसका भाई याद करने की जरूरत नहीं है बट क्लास में बताया बोल तो सकते ही है ना तो इसमें क्या होता है रूट प्रेशर लगता है कौन सा प्रेशर बेटा रूट प्रेशर आपका याद रहेगा ना यस सर पानी निकलने को उस जो लीक होता है ना जैसे सुबह सुबह उठ के पता है दौड़ने को जाता होगा अक्षय कुमार होगा तो साइकिल बहुत सुंदर भाई सुबह में देखो ना अरे तो इसमें चाट वाट में दौड़ते होगे ना घोड़े तो ग्रास व्रास तो देखे होगे ना सिंपल अपनी क्लास चल रही तो उसमें क्या बोलते हैं तुम देखे होगे सुबह में टुब्बी के ऊपर पानी लगा रहता है साइड में होता है अगर तोड़
रहता होगा पूरे क्लास से पानी पानी है जनरली गर्मी के मौसम में रहता है ठंडी में भी रहता है लेकिन ड्यू गिर जाता है इससे पता नहीं चलता लेकिन फिर भी अगर जब भी आप बड़े प्लांट्स का बात कीजिएगा उसमें पुल थ्योरी का अपने आता है पुल मतलब इंग्लिश हिंदी कहा गया ग्रामर ऑक्सफोर्ड जो भी था सबसे पहले देखिए होता क्या छोटे प्लांट्स के बारे में अगर बात करें छोटे प्लांट से सबसे पहले किसका जोर किया जाएगा कैसे एक्टिवली की पैसिवली एक्टिवली मतलब जिसमें एनर्जी लगे प्लांट का आपका एनर्जी स्वयं लगे समझ में आ रहा है बात को यस सर कोई काम नहीं एक्टिवली अभी सनफ्लावर को धक्का देना होगा तो मुश्किल से धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा ना यस सर ऐसा तो नहीं कि सनफ्लावर को बोलेगा सनफ्लावर बोलेगा हाँ सर मैं आपका अच्छा छात्र हूँ अगली क्लास से उठकर चला जाऊंगा कभी सनफ्लावर रेसिस्ट करेगा उसके बाद पीछे से तीन चार लौंडे मशरूम करके धक्का देंगे तो एक्टिवली कर रहे हो ना भाई ऐसा तो नहीं कि बैठ के भूख मार दी और जैसा सनफ्लावर जैसा मजाक देता है सर एनर्जी ज्यादा लगे इसमें एनर्जी लगता है उसको हम एक्टिव कहते हैं ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज को लेके जाना आ रहा है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम है बताया था ना कि अभी रोड में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है किसका मेरा साइड में मिनरल्स का कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ पानी के बारे में कि पानी इजीली किधर से किधर मूव कर पाएगा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पानी का मूवमेंट ज्यादा था कहीं की सॉल्यूट का मॉलिक्यूल कम है इसलिए इधर से इधर मूव करेगा पक्का जैसे वो रूट में होता है मान के चलो ये रूट है पीछे पाइप पास बने करके पाइप उठाते हैं ठीक है आसपास में पानी है छोटी बच्ची इधर पानी ज्यादा है इधर सॉल्यूट ज्यादा है ना हाँ भाई यस सर रूट में बात कर रहे हैं यस सर सॉल्यूट ज्यादा होगा ना रूट में yes, sir. मिनरल का कंसंट्रेशन इन द रूट इज मोर yes, sir. इससे पानी अपने आप पीछे पीछे आ जाता है yes, sir. प्लांट को एनर्जी नहीं लगाना पड़ता yes, sir. तो वैसे ही बाबू होता है जनरली जब आप छोटे प्लांट्स को आप देखते हैं ऐसा प्लांट सीटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इतनी भी ज्यादा बड़ा हो गया है लोग कुछ ऐसा अब ठीक लग रहा है मोनोकोटिलेडन लग गया होगा नीचे में से रूट होता है यस सर है ना भाई यस सर ये मतलब नहीं सुन लोगे ए बताओ तो ऋषभ है ओ सॉरी गंदा बच्चा है सर ने का मीडिया बच्चा तो गया सर यहां पे रूट है यस सर यहां पे एब्जॉर्ब करेगा पानी को यस सर जनरली होता क्या है कि छोटे प्लांट्स के अगर हम बात करें तो जनरली ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस था जिसमें वाटर से पानी ऊपर जाता था क्या होता है सुन लो बोल देते
बट इसमें क्या होता है पुल नहीं लगता है, क्या नहीं लगता बेटा पुल, ये बड़ा एक छोटा सा प्लांट है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 मीटर हो सकता है, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। अगर तुम जनरली किसी ग्रास के लीव्स को अगर उठा के ले आओगे कितना बड़ा होता है, मैक्स टू मैक्स इतना होगा, यस सर, इतना का साइज कितना होगा, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर में इंच में पगले बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। और हम आपको बताए थे 1 मीटर को चलने में 32 वर्ष लगेगा, यस सर, भाई 1 मीटर का तो है नहीं ग्लास का प्लांट, भाई ग्लास का प्लांट है क्या 1 मीटर का, यस सर, साले सेंटीमीटर में तो है, यस सर, कितना बार 7 सेंटीमीटर 10 इयर्स अप्रोक्स क्या हम यही बता रहे हैं बाबू, जो हम प्लांट की बात किए थे ना उस दिन 1 मीटर चलने में 15 दिन 15 32 एक मीटर चलने में 32 साल लगेगा लगभग, यस सर, अब तो है ही नहीं चलने है ना, तो उस दिन हम बड़े प्लांट की बात किए थे, बट ये प्लांट का सही सिद्ध है 7 सेंटीमीटर और जो हम बताए थे 1 मीटर चढ़ने में 32 साल लगेगा वो पुश थ्योरी था, पुश वाला था वो, यस सर, पुल वाला नहीं था, याद आ रहा है कुछ, यस सर, तो इसमें पुश लग रहा है ना, यस सर, अब कैसे लग रहा है बता, हाँ भाई लग रहा है, बता रहे तो इन जबरदस्ती नहीं लग रहा है सर, आप क्या जानते हैं पकड़ा गया है क्या, उस दिन बोल रहे थे पुल, आज बोल रहे हैं पुश, अरे यार सुनो सबसे पहले क्या करेंगे, सुन लो प्रोसेस क्या होता है, जनरली वाटर का चढ़ना किसी भी स्मॉल प्लांट में, पहला वाला पहला स्मॉल प्लांट के बारे में दिया है, तो कभी ह्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, नीचे वाला बैड़े में जो दिया है वो बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में, बनियन ट्री, मैंगो, नीम, फलना ठिकाना जो भी, समझ में आ गया, यस सर, 1-2 मीटर या 5 मीटर से ऊपर वाले प्लांट्स है, ठीक है भाई, यस सर, तो ये जो छोटा सा प्लांट है मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, तो इसमें पुश लगता है, सबसे पहले क्या होगा, ये रूट्स जो होगा वो सबसे पहले किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा, मिनरल्स को, किसको, मिनरल्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, यस सर, अब तो भाई इसका साइज तो अगर तुम ग्रास को खाड़ के देखोगे तो उसका रूट का भी साइज मैक्स टू मैक्स इतना होगा, होगा इतना ही होता है ना, यस सर, सीधा तो नहीं है ना, नो सर, पक्का, यस सर, यस सर, तो बीज जब उखाड़ते हैं तो, यस सर, कौन सा पता ऐसा कुछ है नहीं, फिर मार पड़ा के छोड़ो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रूट है ये 7 सेंटीमीटर मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं, सबसे पहले किसको एब्जॉर्ब करेगा बाबू, मिनरल्स, मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अब ये मिनरल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब जो होता है ये जनरल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, कैसे जाता है आपको नहीं पता, कौन सा प्रेशर क्यों, रूट प्रेशर बढ़ा रहा है बाबू, इसमें आने पहले मिनरल ही गया, पानी गया, कहां का रूट का प्रेशर लगने लग जाएगा, अरे गजब बाबू, मिनरल ऐसा गोल गोल सा होता है, यस सर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, यस सर, दो एग्जांपल दिया था, कौन कौन सा था बाबू, उसके बाद हम नहीं संभाल सकते हैं, फिर 2-3 महीना बच गया, फिर हम डेली, अब तो ध्यान देना बेटा बनेगा, 2-3 महीना है, फरवरी में एग्जाम ही है, बच गया जनवरी, उसमें मस्ती, एग्जाम में क्या पढ़े, एग्जाम में क्या पढ़े, ये होते होते निकल जाएगा, बच गया नवंबर दिसंबर, अक्टूबर तो खत्म ही है, अभी दिवाली शर्ट निकल जाएगा, तो देख लो, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट में वो एस चार काम नहीं देगा, इतना मोटा सा बायोलॉजी का, उसके बाद लगेगा बढ़िया एनसीईआरटी, इतना मोटा है, तीनों दिया हुआ है ना, फिर वही एंड द मोमेंट वही आ जाएगा, हाँ भाई तीनों तो दिया एक ही किताब में, अलग अलग क्या पढ़ेंगे, कितना मोटा उससे चेक नहीं पढ़ लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं अभी से पढ़ो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या दिमाग में, यस सर, मोटा किताब से पतला किताब, पता है तुम लोग के साथ नहीं, सबके साथ है, हम लोग के साथ भी यही है, इसलिए आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए बढ़िया है कि तीनों चीज एक ही किताब में है, पढ़ लो, डेली डेली बोले जा रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हो, जो पढ़ा के आते भाई पढ़ते हो पढ़ते yes, सब लोग नहीं पढ़ता है, खड़ा हो जाता हम लोग, पता है
आप लोग अलग ही अपने दुनिया में है, कहाँ से आएगा भाई, कभी पता है नाइट्रोजन को तुम लोग कॉपी में लिखवा लिखवा के हम नहीं दे सकते हर चीज, स्पून फीडिंग का छोड़ दो, मम्मी नहीं है तुम लोग की लोली गुप लिखो अरे बाबा मिला निकाल दो चार तो पी देंगे खाओगे नहीं तो उठा के फेंक देंगे हम तुमको, नहीं खाना को फिर बना के खुद खाना बाबू, वक्त नहीं डाल रहा हूँ के पास, अगर बोर्ड्स में पास तो सब हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया नंबर से पास होगा तो अच्छा लगेगा, 75 प्लस तो लाओ, समझ में आ रहा है? यस सर। एक लग नहीं ना तुम्हारी क्लास में कुछ चीजें 75 प्लस, छोटा सा प्लांट है जिसका नाम ग्रास है, उसका एक रूट है, रूट सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा पैसिवली अपने आप पीछे पीछे उसके पानी चला रहा है, ठीक है भाई, अब वो मिनरल धीरे धीरे मूव ऊपर करेगा, सुनिए ना मिनरल अपने आप धीरे धीरे मूव ऊपर करेगा, पानी उसके पीछे 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 चलता चला आएगा, इसलिए देखिएगा आप जनरली रात के समय में क्या होता है ना, जब ट्रांसपिरेशन बोल थ्योरी सब जाएंगे तो वहाँ पर रूट प्रेशर ही काम में आता है, वहाँ पर जो है ना सक्शन काम में नहीं आएगा, अभी हम बताएंगे आगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये चीज़, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आप सॉल्यूट का मतलब भाई मिनरल्स है, समझ में आ रही चीज, सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा, पांच वाले की चीज बता रहे ध्यान से सुनना, सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले रूट, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा पैसिवली या डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू, पानी जो है उसके पीछे पीछे जाएगा और धीरे 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 करते करते ऊपर तक पूरा पहुंच जाएगा, छोटा सा तो है उसको कितना प्लांट में पानी का ही जरूरत पड़ता है, हम आपको बता देते हैं फोटोसिंथेसिस में 1% पानी का जरूरत पड़ता है, जो एब्जॉर्ब पानी होता है ना, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसका बस 1% पानी काम में आता है फोटोसिंथेसिस के लिए, समझ में आया, इसलिए वाटर कभी भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं होता है किसी भी प्लांट के लिए, 0.5 के बाद छोड़ दो, 0.5 मतलब जो डेजर्ट में मिलते हैं, कैक्टस वेगेटा में बात अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मल प्लांट के लिए पानी कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि अगर तुम पानी नहीं दोगे तो मर बढ़ा जाएगा, पौधा का बात नहीं करो गमला में लगा देने वाला कि नहीं सर पानी नहीं दिए तो मर गया था, है मास्टर डॉग हो गया वो, नहीं भाई जो आम का गाछ तुमने घर के पीछे में लगा होगा ना जिसके भी होगा, समझ गया ना, कभी देखे तो नहीं ना कि सूख के मर जाते हुए, इतना बुरा पढ़ाने लग गया आप, ये पढ़ाने लगे इसे बुरा हो गया, दूसरा वाला सही स्टेटमेंट था सबसे पहले मिनरल का एब्जॉर्ब किया जाएगा, पीछे पीछे पानी जाएगा, और यहाँ पर जो बनता है ये कॉलम, कॉलम मतलब बोला जाता है स्कूल में कॉलम में खड़े हो जाइए, बेटा दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए जो पानी जो चलता है ना ऐसा नहीं कि पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ऐसे जाता है, पानी स्टिक होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और ये पानी जो है ना ऐसे लगातार जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भी बढ़ गया रुक गया बढ़ गया रुक गया, ये लगातार जाता है और ये पानी पानी के बीच में बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, है ना, जो टूट जाएगा नहीं भाई इसलिए टूट जाएगा, ये बताना चाह रहे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रांग होता है बट कभी कभार ये टूट जाता है, तो फिर इसको कैसे फिक्स करते हैं, क्लास 11th में जानेंगे, बने रहे हमारे साथ क्लास 11th तक, जाने दीजिए पट्टी तुम्हारे लेवल में टूटेगा नहीं, मतलब आप यहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब होगा ना थोड़ा सा इमेजिन करना प्लांट को, ठीक है, इसके अंदर ऐसे कॉलम के फॉर्म में जाएगा ऐसा, और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, लीफ के सेल्स में, कौन कौन सा सेल था भाई जो फोटोसिंथेसिस में काम में आ रहा था, मेटा लिखेंगे, और
मैडम कौन सा सेल है भाई अमीजो पेंसिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में काम में आता है ना क्लोरोफिल में होता है भाई क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस में यस सर क्लोरोफिल में नहीं हो रहा है यस सर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है यस सर क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर है यस सर मेसोफिल सेल लीव्स के ऊपर मिलता है यस सर एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है यस सर इसको मेसोफिल सेल कहते हैं यस सर मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट यस सर आप बस यस सर ये सब करते रहो आप आ रहे हैं क्या तुम लोग को आए थे जंगल वाले लौटो यस सर सही में हार है यस सर बस कि सब फेंके जा रहे छोड़े जा रहे यहाँ से देखते रहिए कोई दिक्कत नहीं है देखते रहिए लगातार फेंकिए बस विकेट पे मार दीजिएगा मतलब पूछ मत दीजिएगा भाई यहाँ बढ़िए काम में आता है ठीक है तो पहले वाले पैर अभी यही कम्प्लीटला लिखा हुआ है आप लोग के अब दूसरे वाले पैर अभी सुनिए है क्या बेटा क्यों भाई बेटा 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 कुछ काम तो करते नहीं हो तुम समझ में आया किसी को कोई डाउट है नो सर कोई डाउट नहीं है तो आपका डाउट पूछे पक्का यस सर हां भाई तो इसमें पूछ लग रहा है कि बोल भाई लीफ में पूछ ग्रास जैसे लीफ में पूछ लग रहा है कि बोल बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे जाइलम में किस टाइप का फोर्स काम में आता है तो आपको पुल ही आंसर देना है आंसर हमेशा पुल ही जाएगा भाई पुश तब जाएगा जब वो आइडेंटिफाई करके पूछेगा कि भाई ग्लास में कौन सा होता है तब बोलना है ऐसे अगर पूछ देगा विच टाइप ऑफ फोर्स यूज टू कैरी द वाटर फ्रॉम रूट टू लीव देन यू विल आंसर ओनली पुल भाई पुल होता है पानी को खींचते हैं वैक्यूम क्रिएट करके तब फिर फिजिक्स ही बताएंगे अच्छा इसी बात से वो बात समझ में आ गया चलिए जब ट्रांसफरेशन को थ्योरी करने से पहले बात करते हैं कि वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है भाई तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर एक दो पाँच दस पंद्रह हजार दो हजार इंफिनिटी है इनका तो आंसर ही अलग रहता है इंफिनिटी बड़बड़ा जाएंगे भाई इंफिनिटी प्रेशर लगेगा तो कितना प्रेशर लगता है तुम लोग के बॉडी में भाई तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेवन तुम्हारे जो सराउंडिंग में कोई भी एटमॉस्फेयर है वो वन एटमॉस्फेयर है मतलब मान लिया कि एक है कि तुम्हें नहीं पता रिलेटिव डाटा है तुम्हारे बॉडी में जो प्रेशर लग रहा है ना वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो 760 mm of Hg लग रहा है सर mm of Hg क्या है जैसे भाई अगर हम तुमसे पूछे कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है ओम तो ओम क्या है यूनिट है यूनिट है ना यस साइंटिस्ट वैसे mm of Hg एक यूनिट है समझ में आया यस सर पूछने मत आ जाना बाहर में कीर्तन कर गया mm of Hg क्या था सर समझ में आ गया यस सर अब भाई बात करते हैं कोई स्पेस में वैक्यूम है प्रेशर ज्यादा है कि कम है क्या से सोच के बोले बोल दे सीधे बोल देते हैं दिमाग नहीं लगा है सोचे ही नहीं आना लगा दो देख लेंगे जो होगा देख लेंगे सर तो कम कम है कि ज्यादा है कम ज्यादा वाले कौन थे कैसे लो आंसर दे देना पता नहीं है बस हाँ होता है बस इतना पता आपको सन आसमान में है ये बात हम जानते हैं कैसे ही नहीं पता क्योंकि वहां लोग ज्यादा इसलिए बैठ जाता है इसलिए प्रेशर ज्यादा है तुम देख नहीं गए हाँ भाई और कौन दिखा वाले कम है कम है कि ज्यादा है कम है क्यों नहीं पता क्योंकि वैक्यूम है ना कोई भी आंसर दे देगा क्योंकि वहां वैक्यूम है सर क्योंकि नहीं पता क्यों रहता है
क्योंकि भाई एयर का प्रेशर लग रहा है। अरे खुद सोच के देखो, अगर तुम आसमान से ऊपर से नीचे कूदोगे तो ऐसा थोड़ी कूदते के साथ डायरेक्ट विदिन अ सेकंड नीचे गिर जाओगे। नो सर, हो गया नो सर। फिजिक्स में हाइपोथेटिकल डाटा में होता, ऐसा होता नहीं है सच में बेटा। अगर मान के चलो तुम अगर छत पे से कूद गए, कूदना मत लेकिन फिर भी, तो भाई डायरेक्ट गिर जाओगे क्या? मतलब कोई भी मिली सेकंड नहीं, यहाँ तुम पड़वा नीचे की उधर तुम डायरेक्ट नीचे पहुंच गए, ऐसा है कुछ? नो सर। कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? मतलब इसको टाइम ट्रेवल नहीं कहते, इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन। हाँ भाई वो गिरता है, कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर के कारण कुछ समय तुम हवा में रहते हो, जो बहुत शौक है ना कि उड़ती बनू उड़ती फिर तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जब भी आप छत पे से कूदते हो तो कुछ समय लगेगा। अगर आप करोगे कि एयरफोर्स में किसी को जाने का मौका मिले और फिर तुम उसके बाद गरुड़ कमांडो बन जाओ, गरुड़ कमांडो, फिर उड़ना पड़ेगा गरुड़ की तरह। भाई जब तुम ऊपर से नीचे गिरते हो तो कुछ समय लगता है। पबजी तो सब खेला है ना? यस सर। फ्री फायर तो खेले हो ना? यस सर। तो ऊपर से गिरते डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाते हो? यस सर। कुछ ऐसा ही जो ड्रैग करके आता है? यस सर। एक्सेलरेट करके आता है? यस सर। एक्सेलरेट होने में नीचे जा रहे हो? यस सर। और ड्रैग करने में नीचे हो जाते हो? यस सर। तो समय ज्यादा लगने लग जाता है? यस सर। तो बेटा वहां पर भी तो फिजिक्स लग रहा है ना? यस सर। और कपूर फील आ गया होगा, तुम दशक दौड़ने लग गया होगा यार। ये आया सर, ये बात है गेम का एग्जांपल देना पड़ रहा है। तो हम लोग आपको नहीं, चार दिन पहले खेले थे, उसके बाद लेवल 10 तक पहुंचे, पीछे आ गए। नहीं हमने टॉप डाउन का सर है, धीरे बोलना नहीं चाहिए पड़ता है। ठीक है भाई, तो वैसे ही जब भी तुमको हम एटमॉस्फेयर में लेकर जाएंगे, स्पेस में गए बिना सूट के तुमको बाहर छोड़ दिए, तो तुम घटोगे या पिचक जाओगे? तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ज्यादा ना कोई चीज? तो अंदर में प्रेशर ज्यादा? यस सर। बाहर का प्रेशर कम? यस सर। इसलिए तुम फट गए? यस सर। तो तुम पचक जाते? यस सर। अरे कोई बोतल है? यस सर। कर लिया अचानक से, बोतल खाली है लेकिन ये नहीं कि पानी खुश तो लग रहा है ऐसा, इसको तो नहीं पचका सकते ना? उसको पचका के दिखा दो, सुड़क के हमको, इसका पता नहीं कर रहा है, फिर कोई हल्की होगा फिर तो भाई हमको नहीं पता। ये भी पचक सकता है बट इसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगना पड़ेगा खींचने के लिए। मेरा प्यारा सा बॉटल है, उसको तोड़ निकाल दे। और क्या है? इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप एक बॉटल को देखते हैं तो जनरली जब आप उसको सक करते हैं बॉटल पचक जाता है। अब पचक गया क्या? अंदर में क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा क्यों? क्यों सब लोग बात कर रहे हैं? जब भी तुम किसी भी बॉटल को लेते हो और अचानक से सक करते हो तो अचानक से बॉटल पचक जाता है। क्यों भाई ऐसा? तुम क्या किए हो, उस बॉटल के अंदर जितना भी एयर था उसको तुम सक कर लिए हो और अंदर में वैक्यूम नहीं क्रिएट हो गया है। कभी कभार ऐसे करके मुंह में चिपक के रह जाता है, उसी करके घूमते रहते हैं, उसके बाद ऐसे करके छोड़ाते हैं, खींच नहीं लेते हो, नहीं तो लोडो बाहर आ जाएगा। आया हो तो होगा ही किसी ना किसी का आनंद तो सब हो चुका है भाई, कुछ ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस नहीं किया हो, हमारे कट्टी का गया सर। ठीक है भाई, जनरली क्या होता है जब तुम सक करते हो तो अंदर में प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, वैक्यूम जब स्पेस में जाते हैं तो हम एक सूट पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा अंदर का प्रेशर जो है इतना ज्यादा हो कि बाहर जाके घटिया जाए, है ना? इसलिए ऊपर से सूट पहनते हैं जिसके अंदर कुछ एयर का मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिससे आपकी बॉडी का प्रेशर मेंटेन है, जिससे
घटते नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? yes, कुछ इमेजिन हो रहा है? पबजी में तो इमेजिन हुआ ना देखे मोर्टल होगा भी हो ही गया होगा yes, मेरे हिसाब से yes, मोर्टल को करके देखे होगे एक बार yes, yes, उसके बाद ऐसे लगता है जैसे हाई कभी जिंदगी में तुम लोग नहीं देखे हो और उसके बाद पूरा बॉटल एक ही साथ में गटक लेते हो। कौन है बाहर यही वाला परेशान? सुनो इतना जो डॉक्टर का सुना रहे थे यही परेशान कैसे क्या नहीं होगा? अच्छी बात है, टेबल में बढ़िया बात है। टेबल किसका नहीं करके देख के कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे क्लास बाकी सो गया नहीं यहां से ना करेगा। आई मीन तो इतना जो हम नाम लिया जिनको वैक्यूम वैक्यूम का कहानी सुना रहे थे वही वैक्यूम क्रिएट होता है बोलो ना बोल दी किसी एक को बोले तो तोड़ दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मान के चलते हैं बाबू हम पूछे कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया yes, अंदर से सारा एयर निकल गया yes, कहे नहीं बचा क्या बेटा वाटर तो आ ही रहा क्योंकि मेटल ये मेटल तो सर चाहिए तो मेटल का नहीं बना होता है जाते नहीं बेटा बॉटल का मन खेल खत्म हो चुके हम जाइयों के बात कर रहे हैं। हां ऐसे कहां प्रिंसी नोबल वॉल्यूम कुछ भी कुछ नहीं आ रहा था कुछ भी लिख के आए थे लंग से कम से पंचायतों में घुसा दिए। हाँ भाई कोई और? हाँ सही बोल रहा हूँ बहुत सारे लेयर से सुनिए इसके बाहर में ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है लिग्निन। सुने है ना नाइन्थ क्लास में टिश्यू पढ़ रहे थे नहीं सुबह तभी सुन लिया ना तो लिख लीजिएगा कि जाइलम जो होता है वो पचकता नहीं है क्योंकि उसके साइड में लिग्निफाइड होता है। जाइलम लिग्निफाइड का मतलब नहीं पता जो लिग्निन से घिरा हुआ हो। लिग्निन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अगर मन हो तो आप लोग का लिख लीजिएगा कहीं की दिमाग के क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है तुम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होता है। जब तक ये टेंडेंसी नहीं आएगा ना तब तक और नीचे लेवल पे खेल रहे हो तुम लोग बस इतना ही है। तो तुम्हारे दिमाग में अपना क्वेश्चन बनने लग जाए ना कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बन सकता है तो फिर एक लेवल तुम्हारा अपग्रेड हो जाता है। क्या बोले थे आप? क्या बोले थे मतलब कहानी थोड़ी सुना रहे थे आप? लिखने के जाइलम रिजल्ट इज
मतलब लिख लीजिएगा ब्रैकेट में लिग्निन से घिरा हुआ होना। भाई घिरा हुआ का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पीछे में लिग्निन है, इधर साइड में है। अरे देख लो बे, इधर है भाई लिग्निन, यहाँ साइड में और इधर है, किसी पचकता नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। ऐसे तब तक भूख नहीं होगा जैसे मैं गाड़ी पूरा घिरा हुआ मतलब बेटा यही बात पे हम खड़े हैं ना, पूछिए तो कौन सा दिया तुम पे घिरा हुआ का मतलब होता है जैसे स्टील का बॉटल है ना, अगर बाकी जो इसको ऐसे ऐसे करके रब करेंगे इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स होगा वो गिर जाएगा, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि स्टील के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसको घिरे हुए। या फिर मान के चलो जैसे कोई लड़की है उसको मेकअप करना है तो मुंह पर मुंह पोत देता है, फिर पानी के पास धोता है, फिर गिर जाता है ना। न्यूज और भी कोई न्यूज पढ़ना में कौन विद्यालय एडवांस जहाँ तक कैसे आ गया